नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर जिले के नारायणगंज नगर में बस स्टैंड स्थित एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षिका के घर को निशाना बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ किया। बेधड़क घर में घुसे बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें डरा धमका कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये घटना शनिवार देर रात की है। यहाँ नगर के बस स्टैंड के पास मेन रोड स्थित रिटायर्ड शिक्षिका सुशील बाई के मकान को बदमाशों ने निशाना बनाकर ताला तोड़कर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तीन नकाबपोश बदमाशों ने पहले परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर डराया धमकाया और फिर घर में रखी 2 लाख की नकदी और सोने चांदी के लाखों के जेवरात चुरा ले गए। रविवार सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वारदात का सिलसिलेवार जायजा लिया। सूचना मिलने पर मल्हारगढ़ SDOP नरेंद्र कुमार सोलंकी भी नारायणगढ़ पहुंचे और घटना स्थल मकान का जायजा लिया। वहीं मामले में कांग्रेस नेता भी महिला के साथ थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से चोरों का जल्द पता लगाने की मांग की। मामले में नारायणगढ़ थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जादून का कहना है कि बस स्टैंड स्थित मकान को निशाना बनाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि नारायणगढ़ नगर के बस स्टैंड इलाके में ही कुछ समय पहले भी इसी तरह एक मकान को निशाना बनाकर बदमाशों ने चोरी वारदात को अंजाम दिया था। एक बार फिर हुई इस घटना ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। वहीं नगर वासियों में भी भय का माहौल है। नारायणगढ़ में बस स्टैंड पर आज रात्रि को चोरों ने, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है आदरणीय सुशीला जी, उनके घर पर धावा बोला है, उनके साथ मारपीट करी है और लाखों रुपये का सामान चोरी करके ले गए। आज हम सभी यहाँ वरिष्ठ कांग्रेसजन अजीत जी कुमार, बाबू भाई रामचंद्र जी करुण और हमारे सभी कांग्रेस के साथियों के साथ में राहुल भाई अहिर सब के साथ में आज यहाँ पर थाने पर आए हैं और थाने पर हमने TI साहब से चर्चा करी है कि आप इस चोरी को चुनौती के रूप में लेते हुए इसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। जिस प्रकार से आप डोरा चोरी की तरफ ध्यान देते हैं और मुलजिम को, अपराधी को, जिस प्रकार से आप तस्कर को जिस प्रकार से ढूंढ के लाते हैं, उसी प्रकार से इसको चुनौती के रूप में लेकर के और ऐसे चोरों को जो है तत्काल ट्रेस करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि अपराध करने वालों को जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी, आप तो जो जमीन में छिप गए हैं अपराधी, उन्हें बाहर निकालिए। आप जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों से राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साठगांठ है। इसी कारण से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और बड़े दुख का विषय है कि अभी हमारे गुना की घटना है, 3 हमारे पुलिस अधिकारी वहाँ मारे गए हैं और धार में भी जो है पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और हम गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं। इसमें जो आज कस्बे में रात को चोरी हुई है, उसमें करीब 2 लाख रुपए नगद और चांदी की चैन और चांदी का लॉकेट, सोने का लॉकेट, चांदी की पायजेब और कान के टॉप्स, गले की सोने की चैन, इतनी चीज़ें हैं वो लोग ले रहे हैं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से।
राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।